तुम यहाँ क्या कर रही हो? माफ कीजिए बाबाजी, यह हमारे घर की नई कुक है, मैं अभी देखती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ चुपचाप खड़े रहने के लिए कहा था, चलो यहाँ से। अब यहाँ से हिलना भी मत, समझी ना, मैं यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ। या अल्लाह, अनवर के बच्चे के चक्कर में कहाँ फंस गई मैं, और अनवर तो मिला भी नहीं। कल जाती हूँ यहाँ से। क्यों रे मोही, कहाँ चल दी? वो जो नुकसान किया है वो कौन भरेगा? मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरे बेटे का वो हो गया दाखिला। अरे नहीं नहीं, दो लोगों के मिलने पर होता है ना झगड़ा। क्या होता है? क्या है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहो ना। रिश्ता पक्का। रिश्ता पक्का, वो तो अच्छा हुआ जो आज मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हुआ, वरना तुम्हारी तो वो कर देती। है बिल्कुल सही कहा। ये भजिए तुमने बनाए? नहीं, जी हाँ। मुझे लगता है इसे यहीं रहने दो। वो क्या है ना कि इस घर में किसी को भी कुक बनने का काम मिल रहा है तो उससे बड़ी सजा है ही क्या? बिल्कुल, तो तुम यही रहोगी। तो नुकसान किया है ना, वो तुम्हारी पहली तनख्वाह से कटेगी, समझी तुम? लतीफ, सारा काम इसे समझा देना। ठीक है, समझा देना वो कमीशन। चलो जी। देखो, तुम्हें यहाँ महीने के 10,000 मिलेंगे, इसमें से 10% जाएंगे खाला खालू को और 10% मेरे। क्या आप लोग अपने घर में कमीशन लेंगे मुझसे? यहाँ ज्यादा सवाल पूछना मना है। अब बताओ, काम करोगी या नहीं? इन सब घर वालों की कमीशन काट के 8,000 मेरे हाथ में आएंगे। ओफो, इतना क्या सोच रही हो? तुम्हें तो बस यहाँ खाना पकाना है और जो मैं कहूँ वही तो करना है। बोलो डन। ये तुम्हारा दो कड़ी का ढाबा नहीं है, ये मेरा कैफे है। तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से मैं अपना बिजनेस और खराब नहीं कर सकता, समझी? सो यू आर फायर्ड। ओ मोहतरमा डफर, कबूल है या नहीं? कबूल है।